नमस्कार प्यारे साथियों, ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रोज की तरह आज हम लोग देखेंगे टॉप 20 एमसीक्यू टेस्ट, जो बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। चार ऑप्शन हैं, आप लोग अपना करेक्ट आंसर चूज कीजिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विख्यात प्रशिक्षकों को। अगला ऑप्शन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस वर्ष से प्रारंभ हुई। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 1956-57 से। अगला ऑप्शन है, नाक फारिक्स लॉरिक्स ट्रेकिया ब्रोंकी और फेफड़े का संबंध है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, श्वसन तंत्र से। अगला ऑप्शन है, नॉक्स ने किस खेल में कौशल परीक्षण बनाया। चार ऑप्शन है, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बास्केटबॉल। अगला ऑप्शन है, ब्रेडी ने किस खेल में खेलने की योग्यता का मापन एवं परीक्षण बनाया। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वॉलीबॉल। अगला ऑप्शन है, छात्रों के वर्गीकरण के लिए अपनाई जाने वाली विधियाँ हैं। चार ऑप्शन हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। अगला ऑप्शन है, एशियाई खेलों का जन्मदाता हैं। चार ऑप्शन हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गुरुदत्त सौंधी। स्पार्टन शिक्षा का उद्देश्य क्या प्राप्त करना था, आपको करेक्ट आंसर बताना है। चार ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सैनिक। अगला ऑप्शन है, वह संस्था जो एशियाई खेलों का नियंत्रण करती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, OCA। अगला ऑप्शन है, रोमन सम्राट जिसने प्राचीन ओलंपिक खेलों पर रोक लगाई थी। चार ऑप्शन हैं, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थियोडोसियस। अगला ऑप्शन है, वर्ष 2010 के एशियाई खेल कहाँ खेले गए थे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्वांगजू। अगला ऑप्शन है, जर्मनी में स्कूल ऑफ जिम्नास्टिक किसने शुरू किया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लुडविक जॉन ने। अगला ऑप्शन है, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम की शुरुआत कब हुई, आपको करेक्ट आंसर बताना है। चार ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 1953 में। अगला ऑप्शन है, स्कूल गेम फेडरेशन की स्थापना भारत में कब हुई। तो यहाँ पर
सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 1954 में। अगला ऑप्शन है, हैवी एक्सरसाइज करते समय रक्त सप्लाई किस ओर बढ़ती है। चार ऑप्शन है, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्केलेटल मसल की ओर। अगला ऑप्शन है, निम्न में से कौन से हार्ड टिश्यू हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हड्डी, सॉरी सी ऑप्शन करेक्ट होगा कनेक्टिव टिश्यू। अगला ऑप्शन है, रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत होता है। चार ऑप्शन है, आप लोग करेक्ट आंसर चूज कीजिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 50 से 60%। अगला ऑप्शन है, हृदय में रक्त ले जाने वाली नलिकाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, धमनियाँ। अगला ऑप्शन है, शेल्डन द्वारा शरीर के प्रकार का वर्गीकरण। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। आज का अंतिम प्रश्न है, बिलियर्ड्स टेबल में कितनी टांगें होती हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 8। तो दोस्तों, आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।